हेलो एवरीवन, आज हम फेस रूल के अंतर्गत वन कंपोनेंट सिस्टम दैट इज अ वाटर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज अ वाटर सिस्टम? वाटर सिस्टम को हम एक ग्राफ के थ्रू समझना चाहेंगे। यदि एक्स एक्सिस पे हम यहाँ टेम्परेचर ले लेंगे, y एक्सिस पे हम प्रेशर ले लेंगे, नाउ दैट इज अ वाटर सिस्टम। It is a point O. Here ice exists, here water exists, here water vapor exists. Ice in solid form, gas in liquid phase, and vapor in gas phase. This curve, OA curve, is called the sublimation curve. Sublimation curve. OB curve is called water vapor curve or vaporization curve. Vaporization curve. And this curve, OC curve, is called melting point or fusing point. Melting curve. मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूंगी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस पॉइंट ओ। वी वॉन्ट टू डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पॉइंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट in point of exam view. Triple point. So what is triple point? Triple, ये जो इस curve में जो हमारा point O है, जहाँ पे ये OA, OB, OC तीनों मिल रहे हैं, वो पॉइंट अपना ओ है। ये पॉइंट ओ है क्या? ये पॉइंट वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे तीनों फेसेस, लिक्विड वाटर फेस, आइस सॉलिड फेस एंड वेपर गैस फेस, एक साथ रह सकते हैं। ओके, सो ट्रिपल पॉइंट, अ पॉइंट एट विच थ्री फेसेस कौन सी हैं? वो फेसेस वाटर, आइस एंड वेपर को एग्जिस्ट, एक साथ रह सकती हैं। मतलब वाटर इक्विलिब्रियम विथ आइस, इक्विलिब्रियम विथ वेपर। इस पॉइंट पे वाटर लिक्विड फेज में, आइस सॉलिड फेज में एंड वेपर गैस फेज में, तीनों फेज से एक साथ रह सकती हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पॉइंट पे प्रेशर कितना रहता है और टेम्परेचर कितना रहता है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। इस पॉइंट पे टेम्परेचर रहता है 0.0098 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर इस समय पे होता है, इस समय प्रेशर होता है 0.006 बार।
ओके सो एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट टेम्परेचर इज 0.0098 degree Celsius and pressure is 0.006 bar. So how many phases here? P equals to 3, liquid, solid and gas. So we take a P equals to 3. And चूंकि one component system है, means इन तीनों को हम एक ही formula से express कर रहे हैं, that is the H2O, H2O, H2O. चाहे water हो उसको भी express करेंगे, ice को H2O से, अपन के H2O से. तो यहाँ पे component क्या है? One है. इसलिए one component system के अंतर्गत ही हम क्या पढ़ रहे हैं? Water system. इसकी value one है. So what is the value of F at triple point? Value of F कहाँ से निकालेंगे हम? बाय फेस रूल से. व्हाट इज द फेस रूल? फेस रूल इज एफ इक्वल्स टू सी माइनस पी प्लस टू. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? वन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? थ्री प्लस टू. सो वी बाय दिस फॉर्मूला, बाय दिस फेस रूल, व्हाट इज द फेस डिग्री ऑफ फ्रीडम, वैल्यू ऑफ डिग्री फ्रीडम इज जीरो. So at that point degree of freedom is zero. Zero means system is at that time, water system is at triple point, water system is non-variant. What are the means of non-variant? Non-variant means जो हमारा water system है triple point पे किसी पे भी, ना प्रेशर पे ना टेम्परेचर पे, ये तीन वेरिएबल है प्रेशर टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, किसी भी वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करेगा. इसीलिए एफ की वैल्यू यहाँ पे जीरो है. तो इस वाटर सिस्टम में सबसे मेन पॉइंट था ट्रिपल पॉइंट, मैंने डिस्कस करना चाहा. मैं और रिवाइज कर देते हैं. ट्रिपल पॉइंट इज अ पॉइंट एट विच थ्री फेजेस आइस वाटर एंड वेपर को एग्जिस्ट. एट दैट टाइम द टेम्परेचर 0.0098 degree Celsius एंड प्रेशर इज 0.006 bar. एंड एट दिस पॉइंट डिग्री ऑफ फ्रीडम इज जीरो. हाउ कैन बी कैलकुलेटेड? बाय फेस रूल. एफ इक्वल्स टू सी माइनस पी प्लस टू. ओनली वी पुट द वैल्यू. सी इज अ वन बिकॉज वन कंपोनेंट सिस्टम. पी इज अ थ्री बिकॉज थ्री फेसेस एग्जिस्ट हियर. प्लस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ इक्वल्स टू जीरो. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रिपल पॉइंट फाइंड करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे कर्व की. वी वांट टू डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट इज स्टडी ऑफ एरिया. ओके ये प्रेशर है, ये जो एक्सिस है वाई एक्सिस है, ये क्या है? प्रेशर है. चलिए स्टडी ऑफ एरिया. हाउ मेनी एरिया एग्जिस्ट हियर इन वाटर सिस्टम? थ्री एरियाज. वन इज द ए ओ बी एरिया. फर्स्ट ए एरिया ए ओ बी. ए ओ बी. सेकेंड एरिया इज बी ओ सी. सेकेंड एरिया इज बी ओ सी. एंड थर्ड वन इज अ ए ओ सी. एरिया ए ओ सी. हम तीनों का कंपेटिटिव स्टडी करेंगे. इससे टाइम भी कम लगेगा और समझ में भी जल्दी आएगा.
सो एरिया ऑफ ए ओ बी, यहाँ पे कौन सी फेज एग्जिस्ट कर रही है? सिर्फ और सिर्फ वेपर। इस पूरे ए ओ बी एरिया में क्या है? एक ही फेज है, दैट इज अ वेपर। यहाँ पे फेज कौन सी है अपनी? फेज अपनी है वेपर। यहाँ पे फेज क्या है अपनी? एरिया बी ओ सी में, एरिया बी ओ सी में अपनी फेज क्या है? वाटर। एक ही फेज है, दैट इज अ वाटर विच इज इन लिक्विड। सेम एरिया ए ओ सी में भी एक ही फेज है, दैट इज अ आइस। यहाँ फेज क्या है अपनी? एक ही फेज है, दैट इज अ आइस। ओके, सो ए ओ बी एंड कंपोनेंट क्या है? इट इज अ वन कंपोनेंट सिस्टम। वाटर सिस्टम इज अ वन कंपोनेंट सिस्टम, मीन्स इसको हम सिर्फ एक ही फॉर्मूले से एक्सप्रेस करें, दैट इज अ H2O। दैट्स वाई वैल्यू ऑफ C इक्वल्स टू 1। यहाँ भी वाटर को किसे एक्सप्रेस कर रहे हैं? H2O से, दैट्स वाई C इक्वल्स टू 1। यहाँ भी किसे एक्सप्रेस कर रहे हैं? आइस को, वाटर से, दैट्स वाई C इक्वल्स टू 1। और एक ही फेस है वेपर, P की वैल्यू क्या है? 1। यहाँ भी एक ही फेस है वाटर, लिक्विड फेस है, तो यहाँ भी P की वैल्यू 1। यहाँ एक ही फेस है आइस, दैट इज अ एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म, सो हियर वैल्यू ऑफ P इक्वल्स टू 1। यहाँ एक ही फेस एग्जिस्ट कर रही है, P की वैल्यू 1 है, C इक्वल्स टू 1 है। यहाँ भी एक ही फेस एग्जिस्ट कर रही है, वाटर, दैट इज अ लिक्विड, P की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू 1 है। यहाँ भी एक ही फेस एग्जिस्ट कर रही है, आइस इन सॉलिड फॉर्म, दैट्स वाई P की वैल्यू 1 है। वी पुट दीज वैल्यू इन फेस रूल। What the phase rule? F equals to C minus P plus 2. Okay? What is the value of C? 1. What is the value of P? Is 1 plus 2. Cancel it. What is the value of F? Is 2. Same here. Because same faces and same composition. So here also value of, by the phase rule, we find the value of degree of freedom. Component is 1, phase is 1 plus 2. So here also by calculation, value of F equals to 2. Same here also, P equals to 1, C equals to 1. These value put in the phase rule. Value 1, 2 plus 2. Sorry. So value of F equals to 2. Means F equals to 2 are 2 means system is bivariant. System is bivariant. Here also system is bivariant. Here also system is bivariant. F equals to 2 are means system bivariant है, मतलब इन areas के लिए, area BOC, area AOB, area AOC, इन areas के लिए degree of freedom 2 आ रहा है. 2 means हमारे जो वेरिएबल्स हैं, क्या वेरिएबल्स हैं? प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, इन तीनों वेरिएबल में से हमारा जो सिस्टम है, वाटर सिस्टम है, एरियाज के लिए किसी दो पर डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे एफ वैल्यू 2 आई है, तो प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन में से किसी दो वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। इट्स मीन्स अ बायवेरिएंट स्टडी ऑफ एरिया। नाउ नेक्स्ट वी वॉन्ट टू स्टडी ऑफ कर्व, CORVE, कर्व। हाउ मेनी कर्व हियर? कर्व ओ ए, कर्व ओ बी, कर्व ओ सी, कर्व ओ ए, कर्व ओ ए क्या है बेटा? इस कर्व का नाम है सब्लिमेशन कर्व। सब्लिमेशन कर्व, इसका नाम सब्लिमेशन कर्व क्यों है? आप यहां देख रहे हैं इस ओ ए कर्व के इस साइड जो हमारा आइसो सॉलिड फॉर्म में है, और इस कर्व के इस साइड हमारा जो फेस है वो वेपर है। तो जब कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज किए बिना डायरेक्ट किस में चेंज हो जाए? गैस में। उस
पॉइंट को हम बोलते हैं सब्लिमेशन पॉइंट, है ना. व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन क्या होता है? जब सॉलिड बिना लिक्विड में चेंज किए सीधे वेपर में चेंज हो जाए, गैस में चेंज हो जाए, वो पॉइंट कहलाता है सब्लिमेशन पॉइंट. तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है. यहाँ पे आई सॉलिड फॉर्म में है, वेपर गैस फॉर्म में है. तो यहाँ पे सॉलिड इसके बाद इस कर्व के इस साइड किस में चेंज हो रहा है? गैस में. इसलिए इसका नाम क्या है? सब्लिमेशन कर्व. इस समय के हाउ मेनी फेसेस एग्जिस्ट हियर? टू फेसेस, वन इज आई, सेकेंड इज अ वेपर, ठीक है ना. इस कर्व में दो फेसेस है. एक फेसेस क्या है अपनी? आइस. एंड सेकेंड फेस क्या है अपनी? वेपर. दो फेसेस एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं. P इक्वल्स टू टू, C इक्वल्स टू वन, क्योंकि दोनों को हम वाटर एशो से एक्सप्रेस कर रहे हैं. वैसे ही वन कपल सिस्टम में पढ़े हैं, C की वैल्यू वन है. दिस वैल्यू पुट इन द फेस रूल, F इक्वल्स टू सी माइनस पी प्लस टू. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? वन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फेस? टू. कैंसिल इट. द वैल्यू ऑफ F इक्वल्स टू वन. वन मीन्स इस वाटर सिस्टम के कर्व OA के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा है? वन आ रहा है. वन मीन्स इट इज अ मोनोवेरिएंट और यूनिवेरिएंट. हमारा सिस्टम क्या है कर्व OA के लिए? हमारा सिस्टम है यूनिवेरिएंट और मोनोवेरिएंट. किसी एक पे डिपेंड कर रहा है. किसी एक पे डिपेंड कर रहा है मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, कंपोजिशन. इन तीन वेरिएबल में से हमारा वाटर कंपाउंड सिस्टम इस कर्व के लिए किसी एक पे डिपेंड करेगा, या प्रेशर पे, या टेम्परेचर पे, या कंसंट्रेशन पे. तो ये था अपना फर्स्ट कर्व, कर्व OA. हम सेकेंड कर्व पढ़ेंगे, कर्व कर्व OA पढ़ लिया, कर्व OB. कर्व OA भी कौन सा कर्व है? वेपोराइजेशन कर्व. वेपोराइजेशन कर्व. इस कर्व में क्या हो रहा है? वाटर लिक्विड इस एडजस्ट विथ वाटर वेपर. सो यह टू फेसेस कर्व OB पे दो फेसेस है, वाटर एंड वेपर. हेयर वाटर इक्विलिब्रियम विथ वाटर वेपर. वाटर लिक्विड एंड वेपर इज गैस. सो नंबर ऑफ फेसेस इज टू. कंपोनेंट वन है. वन कंपोनेंट में पढ़ रहे हैं दोनों को एच टू ए की फॉर्मेट सिंडिकेट करते हैं. सी की वैल्यू वन है. अगेन वी वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ बाय फेस रूल. फेस रूल इज एफ इक्वल्स टू सी माइनस पी प्लस टू. वी पुट द वैल्यू, पी इज द वैल्यू ऑफ टू, सी वैल्यू इज वन प्लस टू. अगेन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ इक्वल्स टू वन. वन मीन्स वाटर सिस्टम फॉर कर्व ओ बी इज मोनोवेरिएंट आर univariant. Both are same. Mono या uni, है ना. बात एक ही हुई. univariant का मतलब भी degree of freedom one है, monovariant का मतलब भी degree of freedom one. मतलब pressure, temperature, concentration में से किसी एक variable पर हमारा water system depend करेगा. Again वेपोराइजेशन कर्व हो गया अपना ये. अब हम पढ़े कर्व, थर्ड कर्व ओ सी. ओ सी इज ओ सी, दैट कर्व ओ सी. ओ सी कर्व का हमने क्या नाम दिया ओ सी कर्व को? इसको फ्यूजन कर्व भी बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कर्व भी बोलते हैं. मेल्टिंग कर्व फ्यूजन कर्व. मेल्टिंग कर्व वाई? बिकॉज द सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है ना. जिस पॉइंट पे सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है वो पॉइंट क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट. यहाँ पे वही हो रहा है, दैट्स वाई दिस कर्व नेम इज मेल्टिंग कर्व.
यार हाउ मेनी फेसेस एग्जिस्ट हियर? ओ बी, ओ सी, ओ सी की साइड आइस है, ओ सी की साइड वाटर है. सो टू फेसेस एग्जिस्ट हियर. वन इज आइस इन सॉलिड फेस इक्विलिब्रियम विथ वाटर विच एग्जिस्ट इन लिक्विड फेस. सेम द वैल्यू ऑफ पी इक्वल्स टू टू सॉलिड एंड लिक्विड टू फेसेस कंपोनेंट इज वन. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम is we find this value by phase rule f equals to c minus p plus 2, that is a phase rule. We put this value, c value of c is 1, value of p is 2 plus 2. So what is the value of f? Value of f equals to 1 means it, this system also uni or monovariant. Means hamara jo water system hai is curve oc ke liye kisi ek प्रेशर टेम्परेचर या कंसेंट्रेशन में से किसी एक वेरिएबल पर डिपेंड करेगा. नाउ अनदर कर्व इज, यदि हम इस ओबी कर्व को, यदि हम इस ओबी कर्व को बैक साइड फॉरवर्ड करें, दिस कर्व फॉरवर्ड इन बैक साइड कर्व ओ बी फॉरवर्डेड इन बैक साइड, तो हमें मिलेगा कर्व ओ डी. कर्व ओ डी और कर्व ओ डी, कर्व ओ डी का नाम है कर्व ओ डी द फोर्थ कर्व एंड लास्ट कर्व, दैट इज अ मेटा स्टेबल कर्व. मेटास्टेबल कर्व मतलब मीन्स जब आइस टेम्परेचर जैसे से हम इसको देंगे, ये जब वाटर, जब सॉलिड आइस वाटर में कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा? वाटर में, तो इसमें जो वाटर रहेगा वो बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा, तो उसको सुपर कूलिंग कर्व बोलते हैं. इस कर्व को हम सुपर कूलिंग कर्व बोलते हैं, सुपर कूलिंग कर्व. इस कर्व में क्या होगा, कर्व ओडी में, यहाँ पे इसके पहले क्या हो रहा था, ये जो कर्व सब्लिमेशन कर्व था ओए, इस कर्व सब्लिमेशन कर्व में सॉलिड वेपर में चेंज हो रहा था, तो हम इसको सब्लिमेशन कर्व बोल रहे थे. कर्व ओडी हमारा मेटा स्टेबल कर्व है, ये सुपर कूलिंग कर्व है. यहाँ पे आइस इतना हीट देने पे ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, और पूरी तरह वाटर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, उसके पहले जैसे वाटर में आइस फ्लोट करता रहता है, ठीक है ना, उस कंडीशन में है. उस समय वाटर लगभग लिक्विड स्टेट में होगा और सेकेंड स्टेट के यहाँ पे वेपर है. तो कर्व जो ओडी है, दैट इज अ मेटा स्टेबल कर्व. इस कर्व में जब सॉलिड सुपर कूल वाटर में चेंज होगा, एट द टाइम वाटर एडजस्ट विथ गैस means vapor, okay? ये कर्व हमेशा नहीं होती है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, और ये बहुत कम समय के लिए होती है. इट इज़ नॉट स्टेबल कर्व, दिस कर्व ओडी इज नॉट स्टेबल कर्व, दैट्स वाई दिस कर्व नेम इज मेटा स्टेबल कर्व. स्पॉन्टेनियसली जैसे ये वाटर सुपर कूलिंग वाटर में चेंज हुआ, at the time two phases here, water and vapor, but up for minimum time, बहुत कम समय के लिए होती है, then automatically spontaneously these curve change into again solid phase. तो ये curve चूंकि temporary curve होती है, बहुत कम समय के लिए stable होती है, that's why this curve name is meta stable curve. spontaneously अपने आप फिर से solid में change आती है. सो दिस कर्व पे जब भी ये कर्व एग्जिस्ट करेगी, उसमें दो फेसेस होंगी, एक वाटर सुपर कूलिंग वाटर है, सो वाटर एंड बिहाइंड द ओडी इज वेपर. सो अगेन वैल्यू ऑफ पी इक्वल्स टू टू लिक्विड एंड गैस, एंड वैल्यू ऑफ सी इक्वल्स टू वन. वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ बाय द फेस रूल, एफ इक्वल्स सी माइनस पी प्लस टू, वैल्यू ऑफ सी इज अ वन, वैल्यू ऑफ पी इज अ टू, प्लस टू कैंसिल इट एंड एफ इक्वल्स टू वन.
means this for metastable curve the water system is mono or univariate, means इस कर्व मेटास्टेबल कर्व ओ के लिए या सुपर कूलिंग कर्व ओ के लिए जो वाटर सिस्टम है वो मोनोवेरिएंट है, मींस वो प्रेशर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन में से किसी एक वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। लास्ट ये जो पॉइंट है, यह पॉइंट है ये पॉइंट जो बी है, इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा दैट इज अ टीसी, इस पे जो प्रेशर होगा दैट इज अ पीसी। और द मीनिंग ऑफ टीसी एंड पीसी, इस पॉइंट के बाद हमारी ये जो थ्री फेसेस यहाँ दिख रही हैं वेपर वाटर आइस में से सिर्फ और सिर्फ एक ही फेस एग्जिस्ट करेगी दैट इज अ वेपर आफ्टर पॉइंट बी। ओके, एट दैट पॉइंट उस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर, एंड इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो कहलाएगा क्रिटिकल प्रेशर। तो लास्ट इज क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है हमारा बी। तो क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट है जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक फेज एग्जिस्ट करती है दैट इज अ वेपर। इस समय जो टेम्परेचर होगा टी सी वो कहलाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर, और इस समय जो प्रेशर होगा इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा दैट इज अ पी सी, वो कहलाएगा आपका क्रिटिकल प्रेशर। थैंक यू सो मच, ये हमारा वाटर सिस्टम कंप्लीट हुआ।